हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नू। अज का क्यू का टॉपिक है टॉक अबाउट अ सिंगर। आई कांट हैल्प लिसनिंग टू म्यूजिक, एदा मतलब कि मैं म्यूजिक सुने बिना नहीं रह सकती। कांट हैल्प एक स्ट्रक्चर आ, एदा मतलब है नहीं रह सकती। आई कांट हैल्प लिसनिंग टू म्यूजिक, यूजली आई लिसन टू एमीनेंट सिंगर ऑफ पंजाब दलजीत दोसांझ। अक्सर मैं सुनती हाँ एमीनेंट मतलब पॉपूलर सिंगर पंजाब दे, वो है दलजीत दोसांझ। आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ हिम, मैं उन्हां दी बहुत वड्डी फैन हाँ। देयर आर मैनी रीजनस बिहाइंड इट, काफ़ी सारे कारण ने यह गल पिछे। द मोस्ट प्रोमीनेंट इज़ दैट ही इज़ डाउन टू अर्थ, सब तो मेन मुख्य कारण ये है कि वह डाउन टू अर्थ ने। आई हैव हर्ड मैनी ऑफ हिस इंटरव्यूज ऑन यूट्यूब फ्रॉम वेयर आई कम टू नो दैट ही नैवर टेक सक्सैस टू द हैड। मैं काफ़ी सारी इंटरव्यूज उन्होंने यूट्यूब पर सुनिया हुई हैं, उतों मैं पता लग्या कि वह कदे भी जो आपकी कामयाबी आदा हंकार नहीं करते। टेक सक्सैस टू द हैड मतलब कि कामयाबी सिर पर नहीं लेंगे, हंकार नहीं करते। मतलब ही इज़ नॉट ओनली सिंगर बट ऑलसो अ फैंटेस्टिक या स्पैक्टैकुलर एक्टर। वो सिंगर ही नहीं बट काफ़ी वधिया एक्टर भी ने। ही हैज़ वर्कड इन बॉलीवुड एज वैल एज बॉलीवुड मूवीज़, पंजाबी ते हिंदी मूवीज़ च उन्होंने काम किया। रिसेंटली आई हर्ड वन ऑफ हिस रिलीजियस सोंग, पिछे जो मैं उन्होंने एक धार्मिक गाना सुनिया, इट वॉज आर नानक पार नानक, आ सोंग का नाम आ गया जी। वाइल हीरिंग दैट सोंग आई गॉट गूस बंप्स, वो सोंग्स सुनते हुए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब आई गॉट गूस बंप्स। बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट मैसेज दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, वो गाने दे विच एक मैसेज सी कि रब हरेक थां मौजूद है। एंड रायट शुड नॉट बी देयर ऑन द नेम ऑफ गॉड, दंगे फसाद नहीं होने चाहिए रब के नाँ पर। इट रियली टच्ड माई कॉर्डियल स्ट्रिंग्स, मतलब ये सोंग मेरिया दिल दियाँ तारा छू गया। टच्ड माई कॉर्डियल स्ट्रिंग्स मतलब मेरे दिल दियाँ तारा छू गया। ही हैज सच अ मिलोडियस वॉइस दैट ही कैन सिंग एनी काइंड ऑफ सोंग, उन्हों की इन्नी क प्यारी आवाज़ आ कि वह किसी भी तरह का सोंग गा सकते हैं। ही हैज़ कार्वड अ नीश फॉर हिमसैल्फ इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग, उन्होंने आपदे आप लिए एक मुकाम हासिल कर लिया सिंगिंग दे विच। ही हैज़ कार्वड अ नीश फॉर हिमसैल्फ एज इट इज़ आऊगा, एक फ्रेज आ, ठीक है जी, एदा मतलब है कि मुकाम हासिल कर लिया। बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रा ऑर्डनरी टैलेंट ही हैज़ मेड परमानेंट होम इन द हार्ट ऑफ मिलियनस ऑफ पीपल, वो आपदे एक्सट्रा ऑर्डनरी टैलेंट करके उन्होंने एक पक्का घर बना लिया काफ़ी सारे लोगों के दिलों में। हाँ जी, थैंक यू।